जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं शब्द भेद। हिंदी व्याकरण से संबंधित हमारी टेस्ट सीरीज निरंतर चल रही है और यहाँ तक हम पहुँच गए हैं। शब्द भेद में हम तत्सम तद्भाव से संबंधित टेस्ट सीरीज आज आपको लेकर के आए हैं। जो भी हमारे मित्र नए हैं उनसे निवेदन करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है। स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, हमारा जो पहला प्रश्न है कि संस्कृत के ऐसे शब्द जिन्हें हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं क्या कहलाते हैं। तो आपको पता होगा इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, क्या कहलाते हैं? तत्सम। ठीक है, सभी ने उत्तर बताया होगा। अगला हमारा प्रश्न है, निम्न में से रूढ़ शब्द कौन सा है? आपको रूढ़ शब्द बनाना है कि निम्न में से रूढ़ कौन है। चार विकल्प है, उत्तर इसका सही होगा क्या? पशु। क्या है? पशु। अगला क्वेश्चन है, शब्द रचना के आधार पर बताइए कि कौन सा शब्द योग रूढ़ है। जल्दी से बताना है आपको, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों जलज। ये जो शब्द है ये योग रूढ़ शब्द है। अगला प्रश्न है, निम्न में से रूढ़ शब्द कौन सा है? जल्दी से बताएं कमेंट में। इसका सही उत्तर हो जाएगा वैभव। ये रूढ़ शब्द है। अगला क्वेश्चन है, परीक्षा शब्द निम्न वर्गों में से किस वर्ग में आता है? जल्दी से बताएं कमेंट में, कौन से वर्ग में आता है परीक्षा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों तत्सम। परीक्षा शब्द तत्सम वर्ग में आता है। अगला प्रश्न, जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें कहा जाता है, उन्हें क्या कहा जाता है? जल्दी से कमेंट में आपको लिखना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तत्सम। जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें कहा जाता है दोस्तों देशज। क्या कहा जाता है? जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें देशज कहा जाता है। विकल्प नंबर तीन इसका सही होगा। ठीक है, यहाँ पर मिस्टेक थी, तत्सम लिखा था जबकि देशज सही है। अगला प्रश्न है हमारा, जिस शब्द के कई सार्थक खंड हो सके उन्हें क्या कहते हैं? कई सार्थक खंड हो जाए उन्हें क्या कहते हैं? जल्दी से कमेंट में लिखें। उत्तर सही हो जाएगा यौगिक। क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं। अगला प्रश्न है, नीचे दिए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। आपको तद्भव शब्द का चयन करना है, कौन सा शब्द तद्भव है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मोह। मोह जो है ये तद्भव शब्द है। अगला प्रश्न है, विभावरी किस प्रकार का शब्द है? जल्दी से कमेंट में बताएं। विभावरी तो तत्सम शब्द है। क्या है? तत्सम। अगला प्रश्न है, प्रयोग के आधार पर सूक्ष्म अंतर व्यक्त करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? जल्दी से बताएं। चार कमेंट है, चार विकल्प आपके सामने हैं। इसका सही उत्तर होगा विकल्प नंबर दो, समानार्थक। प्रयोग के आधार पर सूक्ष्म अंतर व्यक्त करने वाले शब्द समानार्थक कहलाते हैं। जल्दी से बताएं यौगिक शब्द कौन सा है चार विकल्प में से? इसका सही उत्तर होगा पाठशाला। यौगिक शब्द कौन सा है? पाठशाला। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। जल्दी से करें, तत्सम शब्द कौन सा है? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा? विकल्प नंबर दो, गोधूम। गोधूम जो शब्द है वो तत्सम शब्द है। अगला क्वेश्चन है, योगरूढ़ शब्द कौन सा है? जल्दी से बताएं, योगरूढ़ बताना है आपको। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों लंबोदर। लंबोदर जो शब्द है वो योगरूढ़ शब्द है। योगरूढ़ तो आपने पढ़ा ही होगा, है ना। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। जल्दी से करें, तत्सम शब्द का आपको चयन करना है। तो इसका सही उत्तर देखें, उत्तर हो जाएगा इसका वर्षा। विकल्प नंबर एक सही हो जाएगा, वर्षा जो है वो तत्सम शब्द है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द तुर्की भाषा का है? जल्दी से बताएं, तुर्की भाषा का शब्द कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प नंबर दो, कैंची। अगला क्वेश्चन है, चाय किस भाषा का शब्द है? जल्दी से बताएं, चाय। तो उत्तर हो जाएगा चीनी। चीनी भाषा का शब्द है चाय, और चाय उत्पादन में भी आगे है चीनी। तो याद रख लेना, चाय में चीनी, चाय चीनी शब्द है। दशानन किस प्रकार का शब्द है? जल्दी से आपको कमेंट में लिखना है। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों योगरूढ़। दशानन जो है वो योगरूढ़ प्रकार का शब्द होता है। अगला क्वेश्चन है, लोटा किस प्रकार का शब्द है? कई बार पूछा गया है ये लोटा, आपको बताना है किस प्रकार का शब्द है। इसका सही उत्तर होगा देशज।
लोटा जो शब्द है वो देशज है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से तत्सम शब्द छांटकर बताइए। जल्दी से बताएं, तत्सम, तत्सम बताना है आपको। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? उत्तर हो जाएगा दोस्तों विकल्प नंबर 4, घोटक। तत्सम शब्द है घोटक। अगला प्रश्न है, निम्न में से तत्सम शब्द छांटकर बताइए। तो जल्दी से बताएं, तत्सम। उत्तर हो जाएगा इसका विकल्प नंबर 3, रोशनी। तत्सम शब्द जो है वो क्या है? रोशनी। अगला प्रश्न है, निम्न में से तत्सम शब्द छांटकर बताना है आपको। तत्सम बताएं जल्दी से 4 विकल्प में से। इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर 1, क्षेत्र। क्षेत्र जो शब्द है वो तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द बताना है आपको, 4 विकल्प आपके सामने मौजूद हैं। तो इसने आपने बता दिया होगा कमेंट में। उत्तर होगा कुपात्र, विकल्प नंबर 2, कुपात्र सही है इसका। निम्न में से तत्सम शब्द छांटकर बताइए, जल्दी से बताइए तत्सम शब्द। उत्तर हो जाएगा दोस्तों कर्म, विकल्प नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। जो कर्म है वो सही है तत्सम शब्द। अगला प्रश्न है, अचरज का तत्सम शब्द क्या है? अचरज का आपको तत्सम शब्द बताना है क्या होगा, कमेंट में आपको लिखना है, जल्दी से लिखें। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों विकल्प नंबर 3, आश्चर्य। अचरज का तत्सम शब्द आश्चर्य। अगला क्वेश्चन है, आज का तत्सम शब्द क्या है? 4 विकल्प आप पढ़ लें, आज का तत्सम शब्द आपको बताना है। तो आपने पढ़ लिए 4 विकल्प, देखें इसका उत्तर। तो उत्तर हो जाएगा दोस्तों अद्ध। आज का जो तत्सम शब्द होगा वो क्या हो जाएगा? अद्ध हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, केला का तत्सम शब्द, केला का तत्सम शब्द आपको बताना है क्या है केला का। 4 विकल्प में से एक का आपने चयन कर लिया होगा। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों विकल्प नंबर 2, कदली। केला का तत्सम होता है कदली। अगला क्वेश्चन है, आसरा का तत्सम शब्द क्या है? जल्दी से कमेंट में बताएं। इसका उत्तर होगा आश्रय। आसरा का तत्सम शब्द होगा आश्रय। नेक्स्ट है, कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? अब यहां पर 4 विकल्प हैं, तत्सम नहीं है बताना है, तो कौन सा नहीं है? इसका सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 1, आंख। आंख जो है ये तत्सम नहीं है, बाकी 4 विकल्प क्या हैं? तत्सम हैं। अगला हमारा प्रश्न है, एकस्त का तद्भव शब्द है, एकस्त का तद्भव शब्द बताना है क्या होगा एकस्त का तद्भव। तो उत्तर हो जाएगा दोस्तों इसका विकल्प नंबर 1, इकट्ठा। एकस्त का तद्भव इकट्ठा। ज्वलन का तद्भव शब्द है, जल्दी से बताएं, ज्वलन, ज्वलन का तद्भव क्या होगा? देख लिया, उत्तर हो जाएगा इसका विकल्प नंबर 1, जलना। ज्वलन का जो तद्भव शब्द होता है वो क्या होता है? जलना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हल्दी, हल्दी का तत्सम शब्द आपको बताना है। 4 विकल्प भी हमारे सामने मौजूद हैं और कई बार पूछा भी गया है हल्दी का तत्सम शब्द। तो उत्तर होगा विकल्प नंबर 2, हरिद्रा। हल्दी का तत्सम शब्द होगा हरिद्रा। नेक्स्ट है, उबटन, उबटन का तत्सम शब्द क्या होगा? जल्दी से बताएं, 4 विकल्प में से एक का हमें चयन करना है। उबटन का तत्सम शब्द भी हमें बताना है। तो इसका सही जो उत्तर होगा वो होगा उद्गर्तन, विकल्प नंबर 1 इसका सही हो जाएगा, उबटन का तत्सम शब्द। खीर का तत्सम शब्द है, जल्दी से बताएं खीर का तत्सम शब्द। उत्तर होगा विकल्प नंबर 1, क्षीर। खीर का तत्सम शब्द होगा क्षीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बत्ती का तत्सम शब्द है, तो बत्ती का तत्सम शब्द क्या होगा आपको कमेंट में लिखना है। उत्तर होगा वर्तिका, विकल्प नंबर 4 इसका सही हो जाएगा, बत्ती का तत्सम है ना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ग्रंथि का तद्भव शब्द है, आपको बताना है ग्रंथि का जो तत्सम तद्भव शब्द है वो क्या है। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 1, गांठ। ग्रंथि का तद्भव जो शब्द होता है वो गांठ होता है। नेक्स्ट है, अस्थि का तद्भव शब्द है, अस्थि का तद्भव शब्द आपको बताना है क्या होगा अस्थि का। आपने कमेंट में लिख दिया, उत्तर देखते हैं हड्डी, विकल्प नंबर 1 इसका सही हो जाएगा, अस्थि का तद्भव शब्द होगा हड्डी। अगला हमारा प्रश्न है, गोमल, गोमल का तद्भव शब्द क्या है? जल्दी से कमेंट में आपको लिखना है गोमल का तद्भव शब्द। इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर 2, गोबर। गोमल का तद्भव शब्द होता है गोबर। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है? जल्दी से बताएं कौन सा शब्द तद्भव है। 4 विकल्प में से एक का चयन आपको करना है।
इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, आपको तद्भव बताना है, तो उत्तर होगा विकल्प नंबर 4, दंत, मृतस्य, मृत्यु, ये शब्द कैसे हैं, तत्सम है, और ये जो कंधा है वो क्या है, तद्भव शब्द है। तो यहाँ पर लोग हमने लगभग 37 प्रश्नों पर चर्चा की, जो कि तत्सम, तद्भव, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ से संबंधित थे। आपको ये वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट के माध्यम से बताना है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। हिंदी व्याकरण से संबंधित अगर आप तैयारी कर रहे हैं, आपने पूरा वीडियो देखा है, तो आपको संधि, समास, उपसर्ग प्रत्यय, वर्णमाला और भी बहुत सारे टेस्ट जरूर एक बार देना चाहिए, क्योंकि आपको आकलन उसमें हो जाएगा कि आप से कितने क्वेश्चन बनते हैं। तो आप जरूर इसकी मैंने प्लेलिस्ट बना के रखी है, उससे आप निकलें और पूरे के पूरे टेस्ट आपको देना है। आपको टेस्ट सीरीज कैसी लगी कमेंट के माध्यम से बताना है। और दोस्तों आपको अगर हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना है, जहां पर हम सारी की सारी पीडीएफ उपलब्ध करवाते हैं, तो आपको सर्च करना होगा टेलीग्राम ग्रुप ऐप में IAS स्टडी ट्रिक, आप सर्च करेंगे तो आपको ग्रुप मिल जाएगा और आप ज्वाइन हो सकते हैं। वहां पर मैं सारी की सारी जो पीडीएफ लिंक है वहां पर उपलब्ध करवाता हूँ। और फेसबुक से भी आप जुड़ सकते हैं, फेसबुक ग्रुप से स्टडी ट्रिक आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, या सेल्फ स्टडी क्लासेस आप करेंगे तो आपको ग्रुप मिल जाएगा, है ना, या सुमित कुमार जैन आप सर्च करेंगे तो आप हमसे फेसबुक से भी जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताएं, और इस वीडियो को शेयर ज्यादा से ज्यादा करें। आज के लिए बस इतना ही, जय हिंद।